अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जो क्रेडिट कार्ड है उसमें जो लोक कल्याणकारी दूसरे कार्यक्रम है उनमें सब में आयुष्मान योजना में हम दूसरे स्थान पर है। पूरे देश का बाजारी करप्शन और करेंसी और कास्ट की राजनीति कांग्रेस ने की। हमने कर्मण्यता की राजनीति की, कर्मठता की राजनीति की। हमने वो राजनीति की जिसमें हम कुछ डिलीवर कर सकें, हम कुछ दे सकें जनता। तो हमने जो सामाजिक सरोकार की योजनाएँ, जन कल्याणकारी योजनाएँ जो प्रारंभ की, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सहयोग से, जन भागीदारी के माध्यम से हमने लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात की। सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ी। आज मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में है, गेहूँ के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क संसद भवन में आज अध्यादेश के माध्यम से कानून बनने जा रहा है और इसी सिद्धि की कृपा हम सब पर प्रदेश पर बरसे बने, हम यही कामना करते हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप जन आशीर्वाद यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरेगी वहाँ पर भव्य स्वागत और आपके माध्यम से जनता तक हमारी बात पहुँचाने के लिए मैं आपसे सर्वद आग्रह करने वाला हूँ। मैं आप सबका आपसे अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में हमेशा मिली है। इस बार भी जिस हमसे अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से जनता उसका स्वागत करने की उम्मीद हो रही है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह चौगुना हो रहा है, बढ़ रहा है। वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश की जनता सेवक के रूप में कमान सौंपने को आतुर है। इससे 19 लाख किसानों की जमीन नीलाम होगी राजस्थान में। यहाँ पर 11 लाख किसानों की जमीन खुद हो रही थी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2123 करोड़ रुपया ब्याज को भर के उनकी उस जमीन को मुक्त कराया, डिफॉल्टर होने से बचाया और उनको रेगुलर लगाया। ये बेरोजगारी भत्ते की बात की, बेरोजगारी भत्ते के बारे में होगा कि हम भी बेकानी उनका अधिकतर प्रयास दें। ये झूठ बोलने की मशीन है। सीसी शर्मा पिछली बार छिंदवाड़ा में बोले कि छिंदवाड़ा में एक भी बेरोजगार नहीं जब सरकार थी। इस तरह से झूठ देकर बरगलाया। हमने जो काम किया है वो जनता के बीच में है। ये धर्मों का झुंड है, उनसे जनता बचेगी। अब ये सोने की थाली में लोहे की कील जनता नहीं लगाएगी। ये जनता जानती है कि हमारा हित इसमें है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आज इनका चार्ट बताएंगे, जो भी हमारे यहाँ कल इंदौर में है यात्रा, वहाँ से आएगी। अभी जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभा मिला, जिस तरह से मिला, जिस तरह से महापुरुषों में मिला, कांग्रेस ने बहुत जानने की कोशिश की, कांग्रेस ने बहुत बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उनके सफल प्रयास का परिणाम है कि वो एक नई नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नकल में अकल नहीं है। इसलिए उनको अकल मंदी का जीवन उठाने की सलाह जनता देगी और आगे वो जन सेवा के माध्यम से अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते करें। जो अनेक योजनाएँ हैं, जो लोक संवेदनशील योजनाएँ, उसकी इतनी सारी योजनाओं के आपको नाम मिला हुआ, जिसमें प्रथम और दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश आ गया है। जो बीमारू मध्य प्रदेश था, वो विकसित विकासशील मध्य प्रदेश की पंक्ति में खड़ा हो गया है। और अब हमारा यहाँ इंदौर मध्य प्रदेश का गेहूँ, हमारे मालवा का गेहूँ, पंजाब गेहूँ उत्पादन में नंबर वन था, वहाँ पर भी जाता है। पूरे देश में हम यहाँ के गेहूँ को खिला रहे हैं। ये हमने उत्पादन उत्पादकता बढ़ाई, ये नहीं कि सरकार के, हमारे यहाँ के श्रम का श्रेय है, हमारे यहाँ के किसानों को श्रेय है, लेकिन किसानों को जो अनुकूलता मिली वो सरकार के जो दायित्व मिला है काम करने का, उसके माध्यम से मिली। आज महिला आरक्षण की हम भी बात करें तो महिला आरक्षण के मामले में कांग्रेस ने अपने परिवार को तो 2% आरक्षण दिया, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लेकिन समाज के लिए उन्होंने 1% का भी आरक्षण की घोषणा की नहीं की। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण देंगे हम महिलाओं को, इस पर अपनी प्रतिबद्धता जब से बना दी, जब से एक लोकसभा में कानून पास नहीं हुआ, नहीं करवा पाए, ये इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का परिणाम है। हमने अपने संगठन में, आप देखिए चाहे जिले का संगठन हो या प्रदेश का हो या केंद्र का,
33% आरक्षण जो हमारे पास था हमने लेकर और हमने अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शन की। तो आज ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी में अपने परिवार को 2% आरक्षण देते हैं, देश और समाज के लिए आरक्षण के लिए ठेका दिखाते हैं। आज ये जो ठगों का झुंड पूरे देश में जो उनको नकार दिए गए हैं, ये कर्ज माफी की बात की, कर्ज बजाय विकास की बात करने की बजाय उन जरूर बातें करना। और किस तरह से पिछले दिनों हमने देखा यहाँ मध्य प्रदेश की ही कांग्रेस नहीं, देश भर की कांग्रेस ने और अपने गठबंधन बनाकर किस तरह सनातन धर्म पर प्रहार किया। वो आक्रांताओं की तो का तो कलमा पड़ती है तो सनातन पर प्रहार करती है। कांग्रेस ने कोई भी ऐसी कोई योजना पूरी नहीं की जो उन्होंने प्रारंभ की, केवल वचन दिए, वादे किए और उनको भंग करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज़ादी के बाद से हम प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं के नारों से भ्रमित किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, समृद्धि लाओ का नारा दिया, जिनसे करोड़ों दूर रही। केवल गांधी और नेहरू परिवार का स्मारक बनाना, उनके नाम से योजनाएँ बनाना, उनके नाम से सड़क बनाना, उनके नाम से पुल बनाना, उनके नाम से नामकरण करना, ये उनका काम रहा है, जन कल्याण का काम रहा है। हम विचार राजनीति से है। आपने पटवारी जी के लिए एक बार अपने ही बयान में कहा था कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं की उपेक्षा कर दी, कहीं ना कहीं उनका एक सीमित दायरा है, पर क्योंकि जन आक्रोश रैली में फिर एक बार उनको मैदान में उतारा है, मंदसौर से निकले हैं लेने के लिए, तो क्या कहेंगे, क्या आप जरूरत हो गई उनकी? देखिए, जीतू पटवारी सबसे बड़ा खतरा है नकुल नाग के लिए, सबसे बड़ा खतरा है जेडी जयवर्धन के लिए। अब जेडी चलेगी वहां ज्वाइंट वेंचर चलेगा नकुल नाग का और जयवर्धन सिंह का, दोनों बुजुर्ग नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हमारी विरासत कोई मजबूत कि अब कमान आ जाए जयवर्धन सिंह और नकुल नाग के। उनकी लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, अपने बेटों को नेता बनाने की। जीतू पटवारी की फिर से एंट्री क्या कहेंगे मालवाड़ी वार्ड में, जैसे जिस तरह से वो फिर से जन आक्रोश यात्रा? जीतू पटवारी, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल और सुरेश पटोरी, ये बार बार दिल्ली में दरबार में जाकर अपनी उपेक्षा की गुहार लगा रहे हैं। तो वहाँ से प्रियंका गांधी जो इस प्रदेश का को देख रही है, वो लड़ रही है लड़की इन लोगों के लिए, उन्होंने लड़के रूप में कार्य यात्रा हुई। जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से अभी तक 2023 तक लगातार अपने चारों कार्यकाल में जिस प्रकार के जनता के विकास के, अंत्योदय के विकास के, प्रदेश को जो बीमारू राज्यों से विकसित राज्य की श्रेणी में लाए हैं, उस बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारे देवास जिले में 21 तारीख को शिप्रा से, हाटपिपल्या विधानसभा की शिप्रा से यात्रा प्रारंभ होने वाली है। वो 21 तारीख को यात्रा शिप्रा से चलकर देवास आएगी, देवास में नगर में भ्रमण करती हुई जवाहर चौक में सभा होगी, वहाँ से फिर हम सोनकच्छ विधानसभा में प्रवेश करेंगे, टोंककला, टोंक खुर्द, देवली, चोबाराधीरा, गंधर्वपुरी होते हुए सोनकच्छ में शाम को वहाँ रोड शो होगा और सभा होगी, उसके पश्चात रात्रि विश्राम सोनकच्छ में रहने वाला है। अगले दिन हम हाटपिपल्या विधानसभा में नेवरी फाटा से प्रवेश करेंगे, दिन भर हाटपिपल्या विधानसभा करके फिर चापड़ा, चापड़ा से बिजवाड़, बिजवाड़ से लोहारदा, कांटाफोड़, सतवास होते हुए बागली विधानसभा को कंप्लीट करते हुए हम कन्नौज खातेगांव विधानसभा में पहुंचेंगे। कन्नौज खातेगांव विधानसभा में कन्नौज में रोड शो सभा होने के पश्चात वो यात्रा भोपाल रवाना होगी। इस यात्रा में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी 21 तारीख को रहने वाले हैं, उनके साथ में गुजरात के गृह मंत्री जी उसमें सम्मिलित रहने वाले हैं, संभवतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी 21 तारीख और 22 तारीख दोनों दिन में कहीं ना कहीं इस यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। अभी संभावना है 22 तारीख को तो तय हो गया है, लेकिन 21 तारीख का अभी संभावना है।